किशनगढ़ की सब्जी मंडी में मांस के टुकड़े फेंकने के बाद तनाव हो गया। घटना के बाद बाजार में भीड़ जमा हो गई और प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद करवाने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज कर भीड़ को मौके से खदेड़ा। मामला अजमेर के किशनगढ़ का है। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति मांस के टुकड़े फेंकते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार बुधवार 11:45 पर एक बाइक सवार सब्जी मंडी के रास्ते निकला। इस दौरान वह बाइक से जानवर के अवशेष गिर गए। इसके बाद वहां मौजूद लोग गुस्सा हो गए। देखते ही देखते बाजार में भीड़ जमा हो गई। भीड़ में प्रदर्शन करते हुए बाजार को बंद करवाने की कोशिश की। मौके पर पुलिस ने मामला बढ़ता देख लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। हालांकि माहौल बिगड़ने के कारण मुख्य बाजार बंद हो गया। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद ADM अर्चना चौधरी और CEO CTM महिपाल सिंह मौके पर पहुंचे हैं। लोगों से बात कर माहौल शांत करवाने की कोशिश की गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। SP देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि मामले में गांधीनगर निवासी बिंदु खान 70 वर्षीय को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह रिटायर्ड कर्मचारी है। ईद पर कुर्बानी दी थी, जिसमें उसके हिस्से में यह मांस आया था। वह लेकर बाइक पर जा रहा था, इसी दौरान कुछ टुकड़े बाजार में गिर गए। इसके बाद घबरा गया और वहां से भाग गया। आज प्रातः एक सूचना अफवाह के तौर पर फैली कि कथित गौमांस कोई अनजान व्यक्ति सब्जी मंडी में फेंक गया है, जिस पर कुछ शरारती तत्वों ने इकट्ठे होकर मार्केट को बंद कराना शुरू किया, कुछ जगह तोड़फोड़ शुरू की। सूचना मिलने पर मैंने तुरंत यहाँ एडिशनल SP ग्रामीण दीपक शर्मा, दोनों डिप्टी साहिबान जो किशनगढ़ के हैं वो उनके SHO और लाइन से जाप्ता भेजा और भेजकर उन्होंने स्थिति को काबू किया और जो कथित गौमांस के जो टुकड़े और खुर बता रहे थे वो तुरंत वेटनरी के डॉक्टर्स को बुलाकर उनसे मेडिकल मुआयना करवाया। और मेडिकल मुआयना करवाने के बाद जो डॉक्टरी राय थी उन्होंने उसको बोवाइन बफेलो पाड़े का जो है वो अंग थे कटे हुए वो होना उन्होंने अपनी तरफ से राय जाहिर की। और जो CCTV आसपास के एरिया में थे उनको तुरंत देखा गया, उनको कंगाला गया। यहाँ से मैंने DST टीम भेजी। DST टीम वालों ने उस हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति को राउंड अप किया, जिसका नाम बंदू खां है, जो कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, 70 साल की उम्र है। और उसको पुलिस हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। और उसने पुष्टि की है कि जो भी ईद आई थी उस पर उन्होंने जो है पाड़े की कुर्बानी दी है, उसमें 5-7 लोगों ने मिलकर और जो कुछ उसके हिस्से में आया वो लेके जा रहा था और उससे वो जो है वहाँ सब्जी मंडी के एरिया में ये मांस गिर गया और उसके मुताबिक तो वो टीम में घबराते हुए वहाँ से भाग गया। क्योंकि कानून व्यवस्था और ये थोड़ा सा कम्युनल एंगल आ गया था तो एक हमारे लिए चिंता का विषय था। मेरी सभी से अपील है कि संयम बरतें, पुलिस को अपना काम करने दें। घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अनजाने में जानबूझकर भी होंगी, लेकिन कानून हाथ में ना लें। क्योंकि कानून हाथ में लेने वाले भी अपराधी बन जाते हैं। संयम बरतें, माहौल ख़राब ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और पुलिस का सहयोग करें। पुलिस आपके लिए तत्पर है। पुलिस ने इस मामले में भी तत्परता दिखाते हुए संजीदगी से काम लिया है, बड़ा संयम से काम लिया है और तुरंत जो है उसकी पुष्टि भी करवाई है और जो कंसर्न्ड आरोपी था उसको भी राउंड अप किया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे जांच की जा रही है। कहां से आया, कैसे आया, सब जांच का विषय है, वो भी तफ्तीश में ले लिया जाएगा। अब धार्मिक भाव ने अब उसकी चाहे वो लापरवाही रही हो, बेवकूफ़ी रही हो, जानबूझ के फेंका हो, वो अब CCTV जो आसपास के हैं उनको देखकर इन्फ्रेंस निकाला जाएगा। क्योंकि वो जो एविडेंस जो CCTV में आया है
वो हमारे लिए कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि उससे गिरा है या वो फेंक के गया है, तो वो एक चीज अपने आप में बहुत बड़ा साक्ष्य है, वो कलेक्ट किया जा रहा है। हाँ, अभी उसका इलाज चल रहा है, वो एडिशन साहब का ड्राइवर था, कोई पथरा हुआ है, पथरा में कहीं कोई कांच वांच टूट के उसके लगी है, तो अब वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अमुक वो किन को पहचानता है, क्या है, अगर होता है तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अब बिल्कुल शांति है, क्योंकि जो अफवाह उड़ाई गई वो गौ मांस को लेकर थी, तो मैं पुनः आपके माध्यम से इस चीज़ की जो है खंडन करना चाहता हूँ कि ऐसा जो है वर्तमान में नहीं हुआ है। डॉक्टरी राय भी आ चुकी है, और ऐसे मामलों में हम सबको संयम बरतना चाहिए और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। अगर अब सारे कानून बने हुए हैं, उस कानून के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है, मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है, मुलजिम को जो है चालान उनका होता ही है, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कानून हाथ में ना लें और अफवाहों पे जो है ज़्यादा आम आदमी से मेरे निवेदन है ध्यान ना दें। नहीं, तीनों घटनाएं अलग अलग घटनाएं हैं, एक घटना गेगल थाने की है, एक घटना मदनगंज की है, और एक ही घटना सब्जी मंडी की मदनगंज की है, तो कहीं घटनाओं का मेरे को कहीं भी तीनों का आपस में 1% भी मेलजोल नज़र नहीं आया। हुई हैं घटनाएं, लेकिन आपस में इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। नहीं, एडिशनल एसपी वहाँ कैंप कर रहे हैं, जाप्ता या लाइन से गया हुआ है, एक बार एहतियात के तौर पे जो है सिचुएशन को अंडर वॉच रखा गया है, क्योंकि भी आगे आने त्यौहार आने वाले हैं, तो मेरी सबसे ये निवेदन है कि धार्मिक सौहार्द बनाए रखें, और कोई भी चीज़ होती है तो पुलिस के पास रिपोर्ट करें, पुलिस को कार्रवाई करने दें, पुलिस तत्पर है कार्रवाई करने के लिए, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ।